उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक धरने पर बैठ गई, जिसके बाद प्रेमी के घर वाले घर पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रूहीपुर गांव निवासी संदीप कुशवाहा गाँव के ही विजय कुशवाहा की पुत्री सुमन से करीब 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों घर छोड़कर फुल्लनपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। अभी कुछ माह पूर्व संदीप अपनी प्रेमिका सुमन को छोड़कर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत भी प्रेमिका ने कोतवाली में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने समझा बुझा कर पूरे मामले को शांत करा दिया था, जिसके बाद अचानक प्रेमिका अपना सारा सामान लेकर अब प्रेमी के घर पहुंच गई है और धरने पर बैठ गई है। वहीं आसपास के लोगों ने भी युवती को समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इस दौरान वो प्रेमी के साथ शादी किए जाने की बात कह रही है। वहीं प्रेमिका ने बताया कि जब तक मेरी शादी प्रेमी के साथ नहीं होगी, तब तक धरने पर मैं बैठूंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। हमें अरेस्ट करवाए थे, हमको लेकर के गया था भगा करके, और जब पकड़ा गया हमारे कहने पे, और जब पकड़ा गया मेरा बयान भी हुआ, मेरे बयान पे छूटा भी, और अब है कि उसके घर वाले उसको भगा दिए हैं। इसलिए हमको न्याय चाहिए और इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं ताकि वो हमको अपना ले। गाजीपुर से जनमत न्यूज़ के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।